यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और नारायणगढ़ में ऑल हरियाणा पावर्स कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन ने कर्मचारियों के हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों के धरने को समर्थन दिया। हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की यूनियन नेता सुभाष धीमान का कहना है कि कर्मचारियों की मांगे जायज है और ठेका प्रथा बंद हो, प्राइवेट बसों पर रोक लगाते हुए बसों का परमिट रद्द किया जाए और विभाग में सरकारी बसों का बेड़ा और बढ़ाया जाए। विभाग में जनता के अनुसार लगभग 14,000 बसों की जरूरत है। एक बस पर 6 बच्चों को रोजगार मिलता है तो 14,000 बसों पर 80,000 के करीब युवाओं को रोजगार मिलेगा।